हम एमसीएन समाचार के तरफ से खदीर मौलाना साहब जो राष्ट्रवादी के सीनियर लीडर हैं उनके घर पे आए हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल्स जो पास किए हैं किसानों के ताल्लुक से जो काफ़ी नुकसानदेह और तकलीफदेह है और इसका असर सारे समाज पे पड़ने वाला है। आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। खदीर साहब, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल्स पास किए इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हिंदुस्तान के अंदर ये हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है, किसी भी क्षेत्र के आदमी को मजबूत नहीं रहेगा। ऐसे हालात देश के अंदर पैदा हो गए। किसानों के हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। हमारे पास तो महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा उसके असरात है। पंजाब हरियाणा, ये तो एक कृषि प्रदेश बोला जाता है, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के किसान बड़ी तादाद में जो है तो दिल्ली में जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि सरकार ने जो दो तीन बिल लेकर आई है, ये बिल से उनको सबसे बड़ा नुकसान जो है तो किसानों को होने वाला है। और सरकार देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्राइवेटेशन को बढ़ावा दे रही है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। बड़ी कंपनियों को बड़ा करने का काम किया जा रहा है। और किसान, आप देखेंगे तो 3 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला किसान छोटा होते चला जा रहा है। और जो मिनिमम प्राइस जो उसको मिलनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट हामी भाव देती है, उसको ख़त्म करके कंपनियों को खरीदी करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, सामने लाया जा रहा है, जिससे उसकी आमदनी तो ख़त्म ही हो जाएगी। और ये कंट्रोल जब प्राइवेटेशन के हाथ में चला जाएगा तो काश्तकार के हाथ में क्या रहेगा? तो ये सारी मुश्किलों को लेके किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी सरकार ने या महागाड़ी की सरकार ने उनका समर्थन किया और कल के बंद में हम पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरा हमारे लोगों को ये कहना है, तमाम उमूमन नास लोगों को ये कहना है कि ये बंद को सबने सपोर्ट करना चाहिए और बड़े आसानी से, और उसको क्या कहेंगे आप, प्यार मोहब्बत से और आसानी से और शांति के साथ में इसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए और सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि पूरा देश तुम्हारे खिलाफ है। तुम जो कदम उठा रहे हैं ये देश के खिलाफ है, ये लोकशाही के खिलाफ है। तो ये ठोकशाही वाला धंधा इन्होंने बंद करना चाहिए। और डिक्टेटरशिप की जो राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह से दबाने का हर क्षेत्र में काम चल रहा है, ये दादागिरी को बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ लोगों ने समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। पूरे देश को बंद करने का जो आह्वान किया गया है, हम और हमारी पार्टी, हमारा जिला, हमारा प्रदेश पूरे किसानों के साथ खड़ा है और उसको हम समर्थन करेंगे। आज आपने देखा, हमने खदीर मौलाना साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है कि शांति से और अमन से ये प्रोटेस्ट किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।